नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सरकार को गिराने में जुटी है बीजेपी, मनसूबे नहीं होंगे पूरे। झारखंड में सियासी हलचल के बीच रांची आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य की जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार को गिराने के प्रयास में भाजपा हर वक्त जुटी है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें डराने की कोशिश हो रही है, पर एक बात स्पष्ट कर दूं, हम उस विचारधारा और मिट्टी के लोग हैं जिसने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, तो भाजपाई हुकूमत हमें क्या झुका पाएगी। कहा कि झारखंड की महान जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार को भाजपा येन केन प्राकरण अपध्यस्त करने का लगातार प्रयास कर रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों का खुलेआम धज्जिया उड़ा रही है, जिसे यहाँ की जनता भलीभांति समझ रही है। उनके मंसूबों को कभी सफल होने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले राजधानी रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के मंत्री, विधायक और नेताओं संग बैठकर वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी चर्चा किए। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं, हेमंत सरकार पर कोई खतरा नहीं है, कोई कितना भी चाल चले सफलता नहीं मिलने वाली है। झारखंड में सोरेन परिवार को किसकी लगी नजर, पिता पुत्र ने अब तक 5 साल का कार्यकाल नहीं किए पूरे। राज्यपाल रमेश बैस ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के साथ ही झारखंड में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। झारखंड में यूपीए के पिकनिक पॉलिटिक्स शुरू हुई तो वहीं लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि सोरेन परिवार की किसकी नजर लग गई। सोरेन परिवार में पिता पुत्र मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने अब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। झारखंड गठन के बाद एकमात्र मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड की राजनीतिक हालात पर बीजेपी की नजर, प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश बोले, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से समझौता नहीं। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। धनबाद पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी संवैधानिक संस्थान पर आरोप लगाने से आरोप नहीं खत्म हो जाते, सभी के लिए कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। रविवार को धनबाद के विधायक राज सिन्हा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्थान है, झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों की सुनवाई के बाद फैसला आया है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि भाजपा के दबाव में फैसला आया, यह पूरी तरह गलत है। अनगल बयानबाजी से अच्छा है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट चले जाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार या भाजपा कभी किसी संवैधानिक संस्थान पर दबाव नहीं डालती। पीएम नरेंद्र मोदी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद से कोई समझौता नहीं होगा। इसके तहत अगर किसी भाजपा के नेता पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती है। कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को झारखंड में सबसे ज्यादा मत मिले थे, इसके बावजूद यूपीए गठबंधन को ज्यादा सीटें मिली। भाजपा ने यहाँ कभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी पार्टी की नजर है, उचित समय पर पार्टी नेतृत्व अपना फैसला लेगी। झारखंड में बारिश के साथ आसमान से बरसी मौत, फुटबॉल मैदान में वज्रपात से भी एक की मौत, कई खिलाड़ी बाल बाल बचे। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया थाना अंतर्गत हजारी पंचायत के हजारी गांव में रविवार को दोपहर में बारिश हो रही थी। इसी दौरान बिजली गिरने यानी कि वज्रपात से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस युवक का नाम विशांत 19 वर्षीय बताया जा रहा है। घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। माता पिता को यकीन नहीं हो रहा था, इस कारण उन्होंने कई अस्पतालों में ले जाकर जाँच कराई, लेकिन सभी ने उसे मृत घोषित किया। बताया जा रहा है कि मृतक मैदान में अन्य युवकों के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था। मैदान में लगभग 2 दर्जन के करीब युवक थे। बड़ी घटना टल गई। झारखंड में कर्मा पूजा की तैयारी, झूमर पर थिरकेंगे पांव।
सांस्कृतिक त्योहारों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की मुहिम शुरू कर दी गई। इसे लेकर झारखंड के संस्कृति और प्राकृतिक आधारित पर्व कर्मा को मनाए जाने को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा तैयारी की जा रही है। इसे लेकर बैठक के माध्यम से आने वाले दिनों में कर्मा पर्व को सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। 1 सितम्बर को बागडोर स्टेडियम में कर्मा महोत्सव मनाया जाएगा। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टोली को समिति की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के छोटन प्रसाद ने बताया कि झारखंड में लोक सांस्कृतिक पर आधारित पर्वों को जीवित रखने और उत्सव के रूप में मनाने के लिए समिति जागरूकता अभियान चलाएगी। इसे लेकर 1 सितंबर को बस पड़ाव में झूमर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच कर्मा पर्व मनाया जाएगा। इस उत्सव में खासकर बागडोर प्रखंड की ग्रामीण महिलाओं के साथ ही स्कूली बच्चों की टोली भी भाग लेगी और झारखंडी पर्व और प्राकृतिक से जुड़े कर्मा पर्व से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य रूप से जयराम महतो शामिल होंगे। रांची में झमाझम बारिश, झारखंड में कब तक है बारिश के आसार, आइए विस्तार से जान लेते हैं। झारखंड में 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने 30 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप सबको बता दूं कि रांची में रविवार को मौसम का मिजाज बदला और दोपहर में झमाझम बारिश हुई। सुबह में धूप थी, इसके बाद दोपहर में मौसम में बदलाव दिखा, इसके साथ ही गरज के साथ बारिश होने लगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि रांची समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त किया है। राज्य में 3 सितंबर तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 30 अगस्त के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, जामताड़ा, पाकुड़, सिमडेगा, देवघर, दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, चतरा, धनबाद, गढ़वा, लातेहार, पलामू, लोहरदगा, हजारीबाग, खुट्टी एवं सरायकला में गर्जन हो सकता है। इस दौरान बारिश के आसार हैं, वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम को देखते हुए सतर्क रहें, सावधान रहें। बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे शरण किसी भी हाल में नहीं लें, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। झारखंड में पहली बार होगी 690 लैब असिस्टेंट की नियुक्ति, जानिए कब से कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन भी जारी किया है। 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान आप कर सकेंगे। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 3 से 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। फिजिक्स के 230 पद, केमिस्ट्री के 230 पद और बायोलॉजी के 230 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आप सबको बता दूं कि परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं झारखंड राज्य के एसटी एससी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया रहेगा। झारखंड राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड में एक चरण में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी उत्तरी होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। बताया गया कि अभ्यर्थियों का झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक और इंटर पास होना अनिवार्य है। साथ ही अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना भी अनिवार्य है। वहीं झारखंड की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्थापना दिवस के दिन मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर होंगे पुरस्कृत। राज्य में 2 वर्ष बाद जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर को पुरस्कृत किया जाएगा। 2 सितंबर को जैक के स्थापना दिवस समारोह में मैट्रिक, इंटर और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा के टॉपर सम्मानित किए जाएंगे। राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये और स्वर्ण पदक, सेकेंड टॉपर को 15,000 रुपये और रजत पदक और तृतीय टॉपर को 10,000 रुपये और कांस्य पदक दिया जाएगा। जैक के मैट्रिक और इंटर और इंटरमीडिएट वोकेशनल के टॉपरों के नाम जारी कर दिए गए हैं।
एक तरफा प्यार में जलाई गई युवती की रिम्स में हुई मौत, पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। एक तरफा प्यार में जलाई गई दुमका की युवती की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती 95% जल चुकी थी। रिम्स के वार्न वार्ड में उनका इलाज चल रहा था। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को घटित घटना के बाद युवती को इलाज के लिए दुमका मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रजीत सिंह और SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने पीड़िता से घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के जरवाडी मोहल्ले के शाहरुख युवती से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन युवती उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। वह कुछ दिनों से युवती को चलते फिरते रास्ते में परेशान किया करता था। मोबाइल पर भी फोन कर दोस्ती करने के लिए दबाव देता था। सोमवार की देर शाम भी आरोपी ने फोन कर दोस्ती करने की बात कही, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मंगलवार की रात वह अपने कमरे में सोई थी। सुबह आरोपी ने ऊपर खिड़की से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फरार हो गया। इधर जो है, इस संबंध में दुमका के SDPO नूर मुस्तफा अंसारी ने कहा कि मामला एक तरफा प्यार का है। इनकार करने पर युवक ने युवती को जलाकर जान से मारने का प्रयास किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद में गश्ती दल पर हमला मामले में जेरा महतो, बबलू महतो और जगदीश रवानी समेत 23 लोग बनाए गए हैं आरोपी। बलियापुर थाना के गश्ती दल पर हमला करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी में खतियानी आंदोलनकारी जयराम महतो, पूर्व विधायक आनंद महतो के पुत्र व मार्क्स के केंद्रीय सचिव बबलू महतो, मार्क्सवादी युवा मोर्चा के केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश रवानी समेत 23 लोग नामजद तथा 600 से 700 लोगों को अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आप सबको बता दूं कि पुलिस का गश्ती दल पूर्वाह्न 11:45 पर बड़ा दहा पंचायत भवन के पीछे स्थित मैदान में पहुंचा तो वहां 600 से 700 लोगों को जुटा पाया। ये लोग सिंह मेंशन समर्थक लक्की सिंह के सिंदरी स्थित कार्यालय और आवास में तोड़फोड़ करने तथा उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। उनके हाथों में डंडा, गड़ासा, भाला, कटार, हॉकी आदि था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो वे लोग गाली गलौज करने लगे। यही नहीं, पुलिस कर्मियों से भी मारपीट की। जिला परिषद सदस्य श्वेता कुमारी के पति राजेश महतो उर्फ राजू महतो ने ASI की वर्दी भी फाड़ दी। यहाँ पर लोग जेरा महतो के कहने पर वहाँ इकट्ठा होने की बात कर रहे थे। आप सबको बता दूं कि लक्की सिंह के यहाँ तोड़फोड़, निर्दोष लोगों के साथ मारपीट, पुलिस पर हमला, पथराव तथा हथियार चमकाने के आरोप में सिंदरी पुलिस द्वारा शुक्रवार को दर्ज प्राथमिकी में कई लोगों को नामजद किया गया है। झारखंड में पत्थलगड़ी का बोर हटाने से भड़के लोगों ने DSP आवास में जड़ा ताला, नारेबाजी कर की ये मांग। झारखंड के लातेहार जिले के महुआटांड प्रखंड के छिसारी परगना के सदस्यों द्वारा रविवार की शाम महुआटांड DSP राजेश कुजूर के आवास का घेराव किया गया। छिसारी परगना के सदस्यों ने नारा लगाते हुए DSP राजेश कुजूर को आवास से बाहर निकालकर गेट पर ताला जड़ दिया और प्रशासन द्वारा उखाड़े गए पत्थलगड़ी बोर का उसी स्थान पर लगाने की मांग करते रहे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। महागठबंधन ने राज्यपाल से फैसला सार्वजनिक करने की मांग की, कहा हॉर्स ट्रेडिंग को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच रविवार को UPA विधायकों ने राज्यपाल रमेश बैस से फैसला सार्वजनिक करने की मांग की, साथ ही कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधि कानून की धारा 9A के तहत किसी भी सदस्यता रद्द नहीं हुई है तो CM हेमंत सोरेन के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर ऐसा बर्ताव क्यों। आप सबको बता दूं कि रविवार के शाम CM आवास में जुटे झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने पत्रकार से बातचीत करते हुए राज्यपाल रमेश बैस से फैसला जल्द सुनाने का आग्रह किया। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कारण है कि चुनाव आयोग के पत्र पर राज्यपाल ने अपना मंतव्य नहीं दिया है, ऐसी क्या कानूनी सलाह है जिसे नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।